लास्ट क्लास तक हमने हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड हमने शुरू किया था। प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। अगर हम इसका सिंपल से अगर इसका फॉर्मेट लिखते हैं प्रोडक्ट मेथड का, तो हमारा क्या फॉर्मेट है, सेल्स एड चेंज इन स्टॉक। जब हम ये करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से हम लेस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने प्रोडक्ट मेथड के। सेल्स एड चेंज इन स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट माइनस करेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर हमने इसका पूरा डिटेल में पूरा फॉर्मेट समझा था कि जो सेल्स है, सेल्स डोमेस्टिक भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है, इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, इसको परचेजेस भी बोल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा उसका डिटेल्ड फॉर्मेट है, और ये हमने यहाँ पर इसका बिल्कुल क्रिस्प सा छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया। इसको और हम ऊपर लिख देंगे तो ये और हमारा बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। अब जिस पे फोकस करना है बात पे, वो क्या है कि जब प्रोडक्ट मेथड यूज़ करोगे और ये एडजस्टमेंट करोगे तो आप पहुँचोगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स होते हैं। जब हम इनकम मेथड यूज़ करेंगे तो वो हमें किसी और एग्रीगेट पे लेके जाएगा। जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे तो वो किसी और एग्रीगेट पे लेके जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट मेथड हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे लाकर छोड़ता है। तो अभी नेशनल इनकम नहीं निकली है। नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। लेकिन जब मैंने सेल्स वगैरह से किया तो मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंचता हूँ। तो अब नेशनल इनकम तक जाने के लिए मुझे इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। तो अब आगे एडजस्टमेंट क्या होगा वो हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और पहुंचना कहाँ पे है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे तो हम पहुंच गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे हमें पहुंचना है। तो हमें क्या करना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, प्रोडक्ट तो होता ही है, एंड मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो तीन तरह के कन्वर्जन्स होते हैं, तीनों तरह के यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं, काव्या को बताना है। काव्या, ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं? सर डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हम हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ गया एन वी ए एट एम पी या फिर एन डी पी एट एम पी। मतलब सिर्फ जो शुरू का जी है, इस जी को मैंने एन में बदल दिया डेप्रिसिएशन माइनस करके, और कुछ नहीं किया है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर से, लेस डेप्रिसिएशन। तो मेरा ग्रॉस से यहाँ पर नेट मेरा यहाँ पर बन गया है। इसका उल्टा भी हमें मालूम होना चाहिए, अगर नेट से ग्रॉस बनाना है
तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन लेस होता है, नेट से कभी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस बनाना पड़ जाए तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे आप। फॉर्मूला सिंपल सा है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो अब अगर नेट से ग्रॉस बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को उधर ले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डेप्रिसिएशन को जोड़ दो या घटा दो उससे बन जाता है। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन कम करने से नया एग्रीगेट बन गया NDP एट मार्केट प्राइस। अब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल बनाते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं काव्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, एक बार आप देख लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए डोमेस्टिक मतलब मेरी टेरिटरी में जो हुआ, इंडिया के अंदर जो हुआ। नेशनल मतलब उसमें बाहर के देश का भी आ सकता है जो इंडियन रेजिडेंट ने अर्न किया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बाहर की इनकम को लेना है या सिर्फ इंडिया की इनकम को लेना है, वो वाली चीज़ हो रही है। तो जब हम बाहर की और इंडिया की बात करते हैं तो हमारे को कौन सा वाला कॉन्सेप्ट याद आता है, इट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये हमारा एक दूसरा कन्वर्जन है जिसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर ये तो ही हमने क्या किया, डोमेस्टिक से नेशनल बनाया तो प्लस कर दिया। इसी तरह से अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो आप उसको वहाँ पर माइनस कर दोगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो मेरे पास में नया एग्रीगेट मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा अब, नेट वैल्यू एडेड में आपको इस चीज़ का पता नहीं पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये मेरे पास क्या आ गया, NNP एट मार्केट प्राइस आ गया। तो मैंने डोमेस्टिक को नेशनल बना दिया। ठीक है काव्या, है ना? तो जो आप बोल रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो एडजस्टमेंट अभी आगे आएगा। टैक्स मतलब जब मार्केट प्राइस वाली चीज़ में टैक्स आएगा, जैसे हम बाज़ार में कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे टैक्स लगता है, बिल में GST आता है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स है, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स है, तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो टैक्सेस को हम हटा देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ये तीसरा एडजस्टमेंट है। तो जब मैं ये एडजस्टमेंट करूँगा यहाँ पर से, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अब मेरे पास में हो गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि ग्रॉस को नेट मैंने पहले कर लिया था, डोमेस्टिक को नेशनल कर लिया था, अब मैंने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बना दिया है। अब मैंने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बना दिया है। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बन गया, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मेट बन गया। सेल्स चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ग्रॉस से NDP एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो तो NNP एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दो तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स हैं सारे एग्रीगेट्स के नीचे वाले। और ये जो था, ये हमारा मेन था कि हमने टोटल प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकाली है इकोनॉमी के अंदर। शरण समझ आया आपको ये? यस सर। ओके,
काव्या को समझ आ गया पूरा? यस सर। ओके ओके, तो अगेन मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। तीन तरह के कन्वर्जन्स हैं, ग्रॉस ग्रॉस से नेट बनाने का या नेट से ग्रॉस बनाने का, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने का या नेशनल से डोमेस्टिक बनाने का, और तीसरा होता है आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने का या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने का। ग्रॉस और नेट के बीच में आता है आपका डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में आता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ये कन्वर्जन्स हैं, और सेल्स से लेकर जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक हमारा बेसिकली कितना प्रोडक्शन हुआ देश में वो निकालने का तरीका है। एक्सक्यूज मी सर, यस शरण, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट से या ऐड करेंगे? ऐड करें। देखो लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। मैं कोई चीज़ मान लीजिए कि मैं माचिस बना करके बेचता हूँ, तो मैं माचिस बनाऊँगा, मेरे पास एक फैक्ट्री है, लेबर को मैं रखूँगा, माचिस बनाने का मटेरियल ख़रीद के लाऊँगा, मशीन्स लगाऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो ये सारे मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से मैं माचिस बना रहा हूँ, है ना। तो सब सारे फैक्टर्स लग गए करके मैंने 1000 रुपीज़ की माचिस बनाई, है ना, 1000 रुपये की मैंने माचिस बनाई है। अब मैं तो ये क्या है, मेरी टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है बेसिकली। तो दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है दैट इज़ योर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने पैसे दिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो मेरी कॉस्ट है, 1000 रुपये की बन गई। अब जब मैं बाजार में इसे बेचने जाऊंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई इस पे 10% का टैक्स दो, अगर आपको इसको बाजार में बेचना है तो आप इस पे 10% का टैक्स पे करो। तो अब मेरा यहाँ पे 10% का टैक्स है, तो मेरा यहाँ पे 100%, 100 रुपये टैक्स लग जाएगा, और माचिस का जो मेरा पैकेट है वो 1100 रुपये का सेल होएगा। सो मार्केट प्राइस में टैक्स आता है, कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं। कुछ कॉस्ट तो जब तक मैं अपनी फैक्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट का टैक्स वहाँ नहीं लग रहा है, ये तो मैंने सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट लगाई है। जब टैक्स बाजार मार्केट प्राइस बनेगी तब गवर्नमेंट का टैक्स उसमें आएगा। सो मार्केट प्राइस में टैक्स है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर दोगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दोगे। समझ आया, ठीक हाँ जी, है ना। तो ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग और भी होता है, तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड। सो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था, अब 2 पे हम आ जाते हैं। फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कौन सी है, ये रही ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हमारा फॉर्मेट है इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड यहाँ बैठी, ये हमें निकालनी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। अभी एक बार पॉइंट 1 को नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट 2 से पढ़ते हैं। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, नॉन फैक्टर इनपुट्स को फर्म ए ने खरीदा। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, हमने हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे दिया गया। तो हमारे फॉर्मेट में हम इसको डालते जाते हैं, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स 2 लाख रुपीज़, जो लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला होता है उसमें हम डाल देंगे परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स 2 लाख रुपीज़। पॉइंट नंबर 3, सेल्स बाय फर्म ए
टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। फर्म ए जिसका हमें यहाँ निकालना है, इसने दूसरे फर्म्स को सेल किया डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो बेसिकली ये इस फर्म ए की डोमेस्टिक सेल्स है। इंडिया इंडिया में जो इसने सेल करी वो सेल यहाँ पर है। तो सेल्स हमें मालूम है, हमारे फॉर्मेट में हम कहाँ लिखते हैं सेल्स, हमारी शुरू में लिखते हैं सबसे टॉप पे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अलग अलग। तो हम यहाँ सेल्स लिख देंगे, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 10 लाख रुपीज़, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 10 लाख रुपीज़। आगे देखते हैं, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट किया, अब रॉ मटेरियल इज सेम एज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही रॉ मटेरियल बोलते हैं, इसी को हम परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये मेरी इंडिया से भी मैं ख़रीद सकता हूँ, इंडिया के बाहर से भी मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। परचेजेस है सिंपल रॉ मटेरियल की, इंडिया से भी हो सकती है, इंडिया के बाहर से भी हो सकती है। तो अब इसने मुझे क्या दिया, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले इसने मुझे परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स दिए थे फर्म ए के, फर्म ए ने इतने नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे। अब यहाँ इसने नॉन फैक्टर इनपुट की जगह रॉ मटेरियल लिख दिया, पर है वही चीज़, दिस इज़ द सेम थिंग, या नॉन फैक्टर इनपुट लिख दिया या रॉ मटेरियल लिख दिया, या इम्पोर्ट्स लिख दिए सिर्फ इम्पोर्ट्स, और पॉइंट नंबर टू में परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए लिखा था, ये नहीं बताया कि डोमेस्टिक है या इम्पोर्ट है। तो इट मीन्स ये जो थे ये टोटल थे, ये जो 2 लाख रुपये है ये टोटल है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, ये डोमेस्टिक या इम्पोर्ट अलग अलग नहीं लिखा गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फोर वाले को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये टू में ऑलरेडी शामिल है। टू वाले में क्या है, लिख के समझते हैं इसे। देखिए जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, इसी को हम परचेज भी बोल सकते हैं, या परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोल सकते हैं, चारों नाम एक ही चीज़ के लिए बताए गए हैं। ये जो है ये मैं इंडिया से भी ख़रीद सकता हूँ, तो डोमेस्टिक परचेज हो जाएगी, इसको मैं इंडिया के बाहर से भी ख़रीद सकता हूँ तो इम्पोर्ट्स परचेज हो जाएगी। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरी टोटल परचेज हो जाएगी, तब एग्ज़ाम के क्वेश्चन में मुझे या तो सीधा टोटल परचेज दे देगा, पॉसिबल है, या मुझे डोमेस्टिक और इम्पोर्ट अलग अलग दे देगा, तो मैं ऐड करके टोटल परचेज निकाल लूँगा। कई बार क्या करते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको टोटल परचेज दे देते हैं और एक इम्पोर्ट परचेज दे देते हैं, दो दे देंगे डोमेस्टिक नहीं देंगे। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, सिर्फ टोटल ले लेंगे बिकॉज टोटल में इम्पोर्ट ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आपने इम्पोर्ट को अलग से जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि टोटल में इम्पोर्ट ऑलरेडी था। या वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट नहीं देंगे डोमेस्टिक और टोटल दे देंगे। तो ऐसे केस में भी हमें सिर्फ टोटल को लेना है, डोमेस्टिक को इग्नोर कर देना है बिकॉज वो टोटल वाले में ऑलरेडी है। तो जब आप इस पॉइंट नंबर टू को देखो, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, कि नॉन फैक्टर इनपुट फर्म ए ने 2 लाख रुपए के खरीदे, अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि डोमेस्टिक है या इम्पोर्ट है, तो इसका मतलब ये टोटल परचेज है उसकी। अब पॉइंट नंबर फोर में इम्पोर्ट अलग से वापस लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज 50,000 इस 2 लाख में ऑलरेडी शामिल है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये न्यूमेरिकल्स में एक जो की पॉइंट आता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में, की पॉइंट आता है वो ये है कि कुछ चीज़ें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। आपको फॉर्मेट वगैरह सब आता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, 2 लाख को भी ले लेगा, 50 को भी ले लेगा, और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई चीज़ ऑलरेडी किसी और फिगर में इंक्लूड तो नहीं हुई हुई है, अगर हुई हुई है इंक्लूड तो आप उसे छोड़ दोगे। तो इस पॉइंट नंबर फोर को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, 50,000 को। शेरन को समझ में आया ये? हाँ जी सर। काव्या को समझ आया? यस सर। है ना, तो इस तरह का थ्रू आउट सारे न्यूमेरिकल्स में होएगा कि वो क्या करेगा कि सेम चीज़ रिपीट कर देगा किसी और नाम से, तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। पॉइंट नंबर फाइव, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, ये हमें मालूम ही हमारे फॉर्मेट में।
एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। जब एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग होता है तो हम उसे माइनस करते हैं, जब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग होता है तो ऐड होता है, ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है तो माइनस होता है, तो माइनस का 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। सो डोमेस्टिक सेल्स डाल दी, एक्सेस ऑफ ओपनिंग डाल दिया, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स हमने डाल दिया। आगे क्या है और देखते हैं, बस आगे क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है ना। तो अब ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। तो एक्सपोर्ट सेल कुछ नहीं दिया, मतलब इस फर्म का एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेंगे। ये हो ही गया, चेंज इन स्टॉक आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स उसने हमें दे दिया, तो अब हम इसको फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे। सेल्स माइनस एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग 1 लाख, तो 9 लाख वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इसमें से इंटरमीडिएट लेस करेंगे 2 लैक्स का, तो 7 लैक इज़ माई ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक बार समझ आ जाए तो बड़ा आसान है, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। सेल्स चेंज इन स्टॉक का एडजस्टमेंट किया, इंटरमीडिएट का किया, और ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको यहाँ मिल गया। अब इस क्वेश्चन में एक सिर्फ एक पॉइंट नंबर 1 रह जाता है, जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। सो हमारे फॉर्मेट में नॉन फैक्टर इनपुट है, तो अगर फैक्टर इनपुट्स का परचेज आता है तो इसको आपको छोड़ देना है, ये मेरे फॉर्मेट में नहीं है। प्रोडक्ट मेथड से जब आप सॉल्व कर रहे हो तो परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स शुड बी इग्नोर्ड। फैक्टर इनपुट्स हमें नहीं लेने, हमें सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट लेने हैं। तो इस 5 लाख रुपये का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। काव्या कुछ डाउट इसमें आपको? समझ आ गया, शैरन को समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके, सो फैक्टर इनपुट छोड़ देंगे, पॉइंट नंबर 1 लीव किया हमने, पॉइंट नंबर 4 इंपोर्ट को भी लीव किया है, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 वाला अमाउंट पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी था। नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो मेरे फॉर्मेट के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ स्टैंड करता है, इसको हम नीचे ले आते हैं। दिस इज माई वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में उसने GDP निकलवाया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ निकालना है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखिए ये एक आपका ऑर्डर है, सेल्स ऐड ये किया, लेस किया, ऐसे करते करते आप NNPAT फैक्टर कॉस्ट पे आप पहुँचते हो। न्यूमेरिकल जो है वो रिवर्स ऑर्डर में भी करना पड़ सकता है। रिवर्स ऑर्डर मतलब वो आपको NNPAT फैक्टर कॉस्ट दे देगा और आपको वो ऊपर की कोई चीज़ निकालने के लिए बोलेगा, जैसे GDPAT मार्केट प्राइस निकालो, या वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, या सेल्स निकालो, इस तरह से आपको बोल सकता है रिवर्स ऑर्डर उल्टा चलने के लिए। अभी तो हम सीधा चलते हैं कि सेल्स में ये सब एडजस्ट करते हैं, नीचे तक जाते हैं, अब उल्टा जाने का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब हम उल्टा जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ को उल्टा कर देंगे, जो लेस हो रही है उसे ऐड करेंगे, जो ऐड हो रही है उसे लेस करेंगे। बस इतना ही आपको समझना है यहाँ पे, कि अगर उल्टा जाने का क्वेश्चन है तो जो ऐड हो रहा है उसे लेस करेंगे, जो लेस हो रहा है उसे ऐड करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करिए एक बारी अपने मन में, दोनों जने रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जूम करना है, ओके, नहीं ये एक स्क्रीन में वैल्यू नहीं आ रहा है, उसमें कॉलेक्ट वैल्यू सारे का। अभी ठीक है? यस सर।
वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है। नॉर्मली हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से हम चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, जो कि हमने इधर देखा है। सेल्स में से चेंज इन स्टॉक एडजस्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है ना। पर इस क्वेश्चन में सेल्स तो कहीं दिया ही नहीं हमें, देखिए आप सेल्स कहीं नहीं है। अगर सेल्स दिया हुआ नहीं है तो फिर मैं वो तरीका कर नहीं सकता कि सेल्स में से चेंज इन स्टॉक एडजस्ट करूं और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लूं। फिर इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इसने हमें दिया, वो हमारे फॉर्मेट में कहाँ पर है, ये रहा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये रहा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज चाहिए भी फैक्टर कॉस्ट है, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे मेरे पास एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, उसकी जगह उसने एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट उसने हमें दिया हुआ है। तो इसी लाइन का है, मैं यहाँ से इसको उल्टा चला के वैल्यू ऑफ आउटपुट तक पहुँच सकता हूँ। इधर मैं जा करके इसे पहुंचा सकता हूं आप। ये एक हमारा होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मैं अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाता हूं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एडजस्ट करूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन गोज इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट से जी डी पी एट मार्केट प्राइस बनाना है, तो जो मेरे तीन तरह कन्वर्जन से वो मैं कन्वर्जन यहाँ पर कर दूंगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन को मैं ऐड कर दूंगा। जब मैं सीधा जाता हूँ तो डेप्रिसिएशन लेस करता हूँ, लेस डेप्रिसिएशन। अब मैं उल्टा जाऊँगा तो डेप्रिसिएशन को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा नेट से ये बन जाएगा। तो मेरा क्या होएगा यहाँ पे, ऐड डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, जी डी पी एड फैक्टर कॉस्ट, नेट को ग्रॉस कर दिया। मुझे क्या करना, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही रखना है। देखिए सेकंड फिगर जो है डोमेस्टिक वाली है, इधर भी डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक का कोई कन्वर्जन मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड वाला कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कन्वर्जन क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है। फैक्टर कॉस्ट से, ये जो फैक्टर कॉस्ट है इससे मुझे मार्केट प्राइस बनाना है, वो मुझे पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स से करते हैं। क्या करते हैं, देखिए जब सीधे जा रहे हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हो, अब उल्टे जा रहे हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर दोगे, ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। तो अब मैं यहाँ पहुँच गया, इसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब सीधा जाता हूँ तो लेस करता हूँ, उल्टा मैं जा रहा हूँ तो ऐड कर दूंगा, तो आई विल ऐड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट, सॉरी मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये मेरी एक अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है। तो शुरू के दो क्वेश्चन डायरेक्ट ऑर्डर में थे, ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर सॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इसकी अप्रोच आपको समझ आई कि हाँ इस तरह क्वेश्चन होता है और इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है, ये बात समझ आई शायरन को। हाँ जी सर। ओके काव्या, समझ आया आपको? सर ये मुझे समझ नहीं। हाँ क्या समझ नहीं आया बताइए। कि सर आपने इस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड किया फिर। ओके देखो यहाँ पर ये मेरा एक ऑर्डर होता है, सेल्स चेंज इन स्टॉक ये सब एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये ऑर्डर आपको मालूम है ठीक है ना, ये ऑर्डर आपको मालूम है।
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के दो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में या तो सेल मुझे दे क्वेश्चन, तो सेल में चेंज इन स्टॉक एडजस्ट करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ, पर इस क्वेश्चन में सेल्स है ही नहीं, चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, तो मैं कैसे निकालूँ? तो दूसरा रास्ता क्या है, उल्टा चलो, नीचे का कुछ दिया होगा उसको उल्टा चलाते चलाते वैल्यू ऑफ आउटपुट तक हम जाएंगे। तो नीचे का कुछ उसने हमें दिया हुआ है, उसने हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब NDP एट फैक्टर कॉस्ट उसने मुझे दिया है। तब मुझे मालूम है कि सारे एग्रीगेट्स नीचे बैठे होते हैं, कन्वर्ट करते करते मैं GDP एट मार्केट, ये हमारा स्टेशन है, ये हमारा स्टेशन है, प्रोडक्ट मेथड मुझे GDP एट मार्केट प्राइस देता है। तो किस कोई सा भी और एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ तो चलो ठीक है NVH फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, आगे क्वेश्चंस में कोई और एग्रीगेट भी हो सकता है, तो कोई सा भी एग्रीगेट दिया हुआ हो उसको सबसे पहले GDP एट मार्केट प्राइस तक लेकर आ जाओ, GDP एट मार्केट प्राइस तक आप उसे लेकर के आ जाओ, जो भी एग्रीगेट आपको दिया हुआ वहाँ तक। कैसे लाना है, तीन तरह कन्वर्जन है, डेप्रिसिएशन का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बस तीन ही तरह कन्वर्जन होते हैं, उनसे आपका काम हो जाएगा। अब आप इस वाले स्टेशन पे आ गए GDP एट मार्केट प्राइस पे, अब इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एडजस्टमेंट कर दो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पहुंच जाओगे आप। तो सीधे से भी पहुंच सकते हैं, नीचे से उल्टा भी जाके पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझ आया काव्या को? ठीक है ना। तो अब हमने क्या बोला कि क्वेश्चन कुछ भी एग्रीगेट दे सकता है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमें GDP एट मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया था, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट इसने हमें दिया था। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इसने हमें दिया, दैट इज 100। अब इससे हमें क्या करना है, ग्रॉस बनाना है। ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन इसी ऑर्डर में करते हैं, चलिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज 100, एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इज 10, तो 10 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे रिवर्स में जा रहा हूँ तो ऐड करना होता है। तो अब GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया 100 प्लस 10 विच इज 110। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे हम ऐड करेंगे तो GDP एट MP हमारे पास में आ जाएगा। तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है देखते हैं, इसके लिए हमें एक्साइज ड्यूटी दिया गया है और सब्सिडी यहाँ पर दिया गया है। तो काव्या को एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि शेरन को भी बात समझ आ जाए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका सब्सिडी, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडी क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स तो होता है जो, जैसे आप बाजार में कुछ भी सामान खरीदते हो तो वहाँ पर जो टैक्स लगता है, बिल में टैक्स लगता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, यूजुअली आपका उसको बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सबसे कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज GST। इसको ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मान लीजिए कि कोई सामान, जैसे माचिस वाले एग्जांपल हमने लिया था, 1000 रुपये की माचिस बनाई गई, 1000 रुपये की माचिस बनाई गई, तो ये मेरी फैक्टर कॉस्ट थी। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा 10% से, तो टैक्स कितना हो गया, 1000 × 10/100, 100 रुपये का यहाँ पे टैक्स हो गया, तो 1000 और 100, 1100 रुपये यहाँ पर हो गया। वहाँ तक हमने समझा था मार्केट प्राइस 1100 की हो गई, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, जैसे गरीब लोग होते हैं तो उनको बोलती है गवर्नमेंट कि भाई आपको चीज़ सस्ती मिल जाएगी, फर्टिलाइज़र सस्ता मिल जाता है, गेहूं चावल दाल सस्ते मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट चीज़ें सस्ते में देती है, कि जैसे कोई गरीब आदमी है
मान लीजिए 10 रुपये किलो का गेहूं है, गवर्नमेंट बोलेगी गरीब आदमी दो दो रुपये देगा, 8 रुपये गवर्नमेंट दे देगी, तो मार्केट प्राइस उस चीज़ की 2 रुपये हो गई। फिर तो सब्सिडी को हम लेस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड करते हैं और सब्सिडी को हम लेस करते हैं। मान लीजिए सब्सिडी इसमें 50 रुपये की है, तो अब मेरा मार्केट प्राइस आएगा 100 माइनस 50, 1050 रुपीज़ मेरा मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस जब फैक्टर कॉस्ट से मैं जाता हूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स को मैं ऐड करता हूँ, सब्सिडी को मैं लेस करता हूँ, तब मेरा मार्केट प्राइस आता है। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया और लेस क्या किया, सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं, तो इसके लिए एक सिंगल टर्म भी बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स तो आपका जो टैक्स होता है वो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी आपने माइनस कर दिया तब नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। शेरन को समझ आया यस सर, है ना? तो सब्सिडी जो है, हम सब्सिडी जब गवर्नमेंट चीज़ सस्ती कर देती है बाजार में, तो सब्सिडी को हम लेस करते हैं, तब मार्केट प्राइस पे हम पहुंचते हैं। तो दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे GST है या फिर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, अगर कुछ भी सामान आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज इनडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी। GST क्या होता है, बनाने के बाद बेचा तो बेचने पे भी फिर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इंडिया में बोलते हैं कि आपको हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ जाता है, उसका मतलब ये है। तो आपने सिर्फ दो तरह के टैक्स देखे हैं, कई तरह के टैक्स होते हैं, बनाया तो टैक्स भरो एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, बना के बेचा तो बोलते हैं GST, बेच के मेरी इनकम हुई तो फिर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स होता है वो। तो कई तरह के टैक्स होते हैं। अभी हमको क्या याद रखना है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और एक और होता है कस्टम्स ड्यूटी, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपको एग्ज़ाम में या तो सीधा इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ दे देंगे, या GST लिख करके दे देंगे, या एक्साइज ड्यूटी लिख करके दे देंगे, या कस्टम्स ड्यूटी लिख करके दे देंगे। चारों में आपको क्या करना है, मतलब समझ लेना है भैया इनडायरेक्ट टैक्स ही है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है, मीन्स दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी हमें यहाँ 5 रुपये दिया हुआ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ, 20 में से 5 माइनस कर दो, 15 इज माई नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 15 रुपये का नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैं ऐड करता हूँ, 15 को मैं ऐड कर दूंगा, तो GDP एट मार्केट प्राइस मेरे पास आ जाएगा 110 प्लस 15, 125, 125 रुपये मेरा यहाँ पर जो है GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 75, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75 है, तो ये मैं 75 ऐड कर दूंगा। तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 125 प्लस 75 विच इज़ 200 रुपीज़। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया है। तो मैंने इनडायरेक्टली सॉल्व किया, उसे रिवर्स ऑर्डर में मैंने उसे सॉल्व किया है। क्या मेथड मैंने फॉलो किया रिवर्स ऑर्डर में, जो भी एग्रीगेट दिया हुआ है, कन्वर्ट द एग्रीगेट गिवेन इन द क्वेश्चन टू GDP एट मार्केट प्राइस। जो भी एग्रीगेट आपको दिया है, या तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट था, कुछ भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट कर दो GDP एट मार्केट प्राइस में। जब GDP एट मार्केट प्राइस पहुंच जाओगे, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें ऐड कर दो, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर क्वेश्चन सेल्स पूछता है तो आप एडजस्ट
चेंज इन स्टॉक को भी आप एडजस्ट कर दो तो आपकी सेल्स भी आ सकती है। बस वो एक ऑर्डर है आपका, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है और इस ऑर्डर के हिसाब से आपकी चीज़ें स्टैकअप कर जाएगी। काव्या कुछ कंफ्यूजन आपको अभी? सर, समझ आया क्वेश्चन पूरा? यस है ना, तो अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर वाले ही होते हैं, डायरेक्ट वाले कम होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में काम करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्ट वाले में एक दो नंबर ही एडजस्ट करने होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैसे बनाएगा। क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उसको इनडायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट हमने वापस समझ लिया यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, फाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने मेरे से नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा, उसने मेरे से क्या पूछा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा है। ये वाली चीज़ मुझे पता करनी है। तब या तो ऊपर का डेटा देगा मैं पहुंच जाऊंगा, या रिवर्स ऑर्डर में चलाएगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। देखते हैं इसने क्या दिया हमें। इसने हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया 200, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू ऑफ आउटपुट इसने मुझे 200 दे दिया। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया 80। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट मतलब ये लास्ट वाली, ये इसने मुझे दे दिया 80। एक इसने मुझे 200 ये दे दिया, एक इसने मुझे ये दे दिया। सेल टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है, विच इज़ बेसिकली योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा जस्ट वन मिनट, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था, GST हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक और है यहाँ पे सेल्स टैक्स भी यहाँ पर हो सकता है, और या फिर यहाँ पर एक वैट भी हो सकता है। वैट इज व्हाट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। कुछ भी आपको वहाँ पर एग्जाम में लिखा हुआ देख सकता है। ये सारे अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हैं बेसिकली, GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ इसने मुझे क्या दिया है, सेल्स टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स आराम से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और डेप्रिसिएशन इसने मुझे यहाँ पर दे दिया। तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, कहाँ करेंगे इसको, इसी पे चलते हैं। देखिए ये हटा देते हैं वैसे, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट मतलब NDPH फैक्टर कॉस्ट उसने मुझे दिया है, तो NDPH फैक्टर कॉस्ट इज 80, ये दे दिया। फिर इसने मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे उसे हम। अब डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन इसने मुझे दिया 20 का, तो मैं GDPH फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गया, GDPH फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गया। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूँगा, विच इज सेल टैक्स माइनस सब्सिडी, 15 माइनस 5 विच इज 10, 15 माइनस 5 विच इज 10। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया, तो GDP एट मार्केट प्राइस मुझे मिल गया 110 का। अब मैं क्या करता था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इंटरमीडिएट माइनस किया था तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया था। मतलब मेरा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, ये मेरा फॉर्मूला था, जो आपको यहाँ पर से फॉर्मेट में से भी यहाँ नज़र आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, ये तीन चीज़ आपके काम में आ रही है। अब अभी मैं GDP एट मार्केट प्राइस तक तो GDP एट मार्केट प्राइस तक तो मैं पहुंच गया,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक तो मैं पहुंच गया। अब मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 200 का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, आप में से कोई बता सकता है? सर ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऐड होगा। ऐड हो जाएगा। ओके, देखते हैं इस फॉर्मूले में हम रखते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो कितना है 110। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस में उसको उधर ले जाएंगे, 110 इधर आ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 200 माइनस 110 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 200 में से 110 माइनस करेंगे हम, ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अप्रोच आपको ठीक समझ में आ गया था। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 90, यही मेरा यहाँ पर आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या करवाया उसने, रिवर्स ऑर्डर में हम चले, रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुँच गए, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तो बीच वाली चीज़ हमने निकाल ली। पहले वाले क्वेश्चन में इंटरमीडिएट दे दिया था तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया था, इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, इंटरमीडिएट हमने निकाल लिया। काव्या को समझ आ गया, यस सर। पक्के से समझ आया क्वेश्चन? सर एक डाउट है, सर हाँ, डाउट है, बोलो क्या डाउट है। शेरिन को समझ आ गया कि माइनस क्यों किया है, ऐड नहीं होगा माइनस होगा। यस सर ओके, यस काव्या बताइए क्या डाउट है आपका, नहीं सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, एकदम से वापस चेंज हो गया? हाँ सर, मुझे वो जो डाउट हो रहा था कि आपने लिखा क्या है, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा तो समझ में आ गया। ओके ओके, ठीक है, फिर समझ में आ गया तो इट इज़ गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये वाला भी 4 भी सॉल्व हो गया। तो अब जैसे हमने तीन चार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको एक सेंस आ जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हो क्या रहा है, ये आपको एक सेंस आ जाना चाहिए, फील आ जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और चार क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, चारों क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मेट में फिट हो रहे हैं, इस फॉर्मेट में हमें फिट हो रहे हैं। तो अगर मुझे फॉर्मेट आता है और इन टर्म्स का मुझे मतलब मालूम है तो आई कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये मुझे अभी तक बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से हमें सेल्स निकालनी है। ओके, अब इसको आप लोग खुद ट्राई करो एक बारी, ट्राई करिए, देखें आप कितना सॉल्व कर पाते हो, वरना हम डिस्कस करेंगे, ट्राई करिए। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कैन आस्क, मैं बता दूंगा या स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर देंगे। यस, चेंज इन स्टॉक्स में -50 लिखा, मतलब कि डिक्रीज हुए हैं स्टॉक्स 50 से। देखो इसमें दो तरह की गड़बड़ होती है इन क्वेश्चंस में। एक तो मैंने आपको जो बताया था कि कोई फिगर दूसरे में इंक्लूड है तो उसे हमें छोड़ना होता है, जैसे क्वेश्चन 2 में इंपोर्ट को हमने छोड़ा था, एक तो वो एक कैच होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, उसमें स्टूडेंट से गलती होती है। दूसरा कैच इन वाले क्वेश्चंस में साइन का पड़ जाता है, माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाती है ना। तो हमें क्या करना है, आप इसको माइनस प्लस को मत देखो, आप ये सोचो कि चेंज इन स्टॉक को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मुझे करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है, पहले आप ये देखो।
है ना, प्लस करना है या माइनस करना है चेंज इन स्टॉक को। मान लीजिए प्लस करना है तो -50 वहाँ लिख दो तो वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो सब्ट्रैक्ट में -50 लिखोगे तो माइनस माइनस विल बिकम एडिशन, तो फिर उसको आप ऐड कर दोगे। तो पहले आप ये देखो कि चेंज इन स्टॉक को वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मुझे करना क्या है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। जब वो डिसाइड हो जाए फिर वैल्यू लिख दो आप -50 की, और डिपेंडिंग ऑन कि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आप ऐड या लेस कर सकते हो। समझ आए आपको? ठीक है ना। यस और वैसे चेंज इन स्टॉक माइनस में है, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक बड़ा है, इट मीन्स स्टॉक मेरा रिड्यूस हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कम है। ठीक है ना, आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को आप ये तो समझ आएगा कि भाई ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। आंसर 300 लाख है। हाँ आंसर इज 300। नहीं, 600 इज द आंसर, 300 नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले आप जीडीपी, अगर हमें चेंज इन स्टॉक अगर हमारा डिक्रीज है मतलब कि हमें से माइनस करना है तो ये उस -50 लिखा था, -50 माइनस प्लस कर देगा ना फिर 50 यस को प्लस हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल प्लस हो जाएगा। जाएगा। सर मैं नेशनल इनकम 300 को पहले जीडीपी में कन्वर्ट करूँ ना? हाँ, फर्स्ट चीज क्या है, जो आपको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनाना है ना। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनाओ पहले। पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस चेक करते हैं वो सही आया या नहीं आया, फिर उसके बाद आप एडजस्टमेंट करोगे चेंज इन स्टॉक का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, दैट इज सेकेंडरी चीज। पहले आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुँचो। सर आपने जो 3 मेथड्स करवाए थे कन्वर्जन के उसी से होंगे ना ये? थ्री मेथड्स कौन से, जो ग्रॉस नेट और वाले? हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीन ही तरह के कन्वर्जन होते हैं, तो ग्रॉस नेट या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, या फिर आपका डोमेस्टिक और नेशनल। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा कुछ आप लोगों ने अपनी नोटबुक में किया होगा। देखिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट,
नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें मिल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट, ये उसने मुझे क्वेश्चन में दे दिया। मुझे पहुंचना कहाँ पे है, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ मुझे पहुंचना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। तो डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम का काम आता है, यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही रहना है, नेशनल पे जाना ही नहीं है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन ने मुझे दिया भी नहीं है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर दिया होता या लिखा होता तो हम उसे इग्नोर कर देते, उसका कोई काम नहीं है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट से ग्रॉस बनाना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनानी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस, फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस बनाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं हम, ऐड ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, सीधा सा याद रखो भी मार्केट प्राइस जो होती है वो तो टैक्स वैक्स जोड़ के आता है, तो ऐड कर देते हैं। तो कन्वर्ट करिए, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए कितना आ रहा है आप लोगों का, एक एडजस्टमेंट आपका नेट से ग्रॉस का है यहाँ पर डेप्रिसिएशन का, और दूसरा आपका यहाँ पर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो बेसिकली आपकी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रही हैं। अब यहाँ सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी नहीं है, तो देन सब्सिडी इज़ जीरो, अगर कुछ दिया नहीं है तो मीन्स इट इज़ जीरो, तो जितना इनडायरेक्ट टैक्स है वही आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कितना आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस करके आपको बताना है, शहरन कितना आएगा, सर मेरा तो 370 आ रहा है। 370 यार, ओके लेट सी नेट। काव्या का कितना आ रहा है, देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है हमारा 300, 300 आ गया, नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट इज 300, इसमें हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में ऐड कर देता हूँ, कितना है डेप्रिसिएशन 30 का, ये ऐड कर दिया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20 को भी मैं ऐड कर दूंगा, वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो जीडीपी एट मेरा जो आएगा इसको ऐसे कर देते हैं, ये यहाँ पे तो ये मेरा आ गया 350। 370 कैसा आया आपका शेरन, चेक करिए आप, 20 और क्या आपने जोड़ दिया था यहाँ, ऐसा तो कुछ फिगर है ही नहीं, थ्री सेवेंटी कैसा आया था आपका, सो वो मैंने 30 की जगह 50 ऐड कर दी, वो ओके नीचे वाला फिगर देख लिया आपने, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोल रहा काव्या, जीडीपी एट था। मार्केट हाँ प्राइस आ गया आपका भी, आपकी आवाज नहीं आई काव्या, यस सर, हाँ आ गया सर।
हो गया 350 हो गया, ठीक है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। तो हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ तक पहुँच गए। अब सेल्स तक जाना है, ऊपर सेल्स तक, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड कर दो, चेंज इन स्टॉक को लेस कर दो, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम पहले ऐड कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम ऐड करते हैं, ऐड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है यहाँ पे 200 का, 200 में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब कितना हो गया मेरा 550 आ गया, दिस इज माय वैल्यू ऑफ आउटपुट, मेरा 550 हो गया। चेंज इन स्टॉक का क्या करना है अब देखते हैं, चेंज इन स्टॉक यूजुअली ऐड होता है, अब हम उल्टा जा रहे हैं तो लेस होगा, तो लेस कर देते हैं, लेस चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक माइनस का 50, माइनस का 50, तो लेस करना था और है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या बनेगा मेरा ये, इट विल बी 600। ये मेरी सेल्स यहाँ पर आ गई, दिस इज माई आंसर। एनी डाउट्स किसी को, शेरन समझ में आ गया, यस सर। काव्या समझ आ गया, सर अगर यहाँ पे नेट फैक्टर